हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास सिक्स उमंग बेच के चैप्टर नंबर वन का लेक्चर नंबर फाइव। लेकिन लेक्चर नंबर फाइव को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो होमवर्क क्वेश्चन देखे थे उनका सॉल्यूशन हम लोग एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद में आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने दो क्वेश्चन लिखे थे, उन दोनों क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या है तो पहला क्वेश्चन था कि अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये जो नंबर दिए हुए हैं इन नंबर्स को हमारे को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर ढूंढना पड़ेगा। तो देखो यहाँ बहुत ज़्यादा नंबर है, इनको कैसे करें उसके लिए ध्यान से समझना क्या मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे दो तरीके के नंबर है, एक नंबर वो है जिनमें तीन डिजिट्स है, एक वो नंबर है जिनमें चार डिजिट्स है। तो तीन डिजिट वाले नंबर डेफिनेटली छोटे होंगे चार डिजिट वाले नंबर से, लेकिन तीन डिजिट वाले नंबर भी तीन चार है, उनमें कौन सा सबसे छोटा है। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि भाई तीन डिजिट वाले नंबर्स को एक साइड लिख लेते हैं और चार डिजिट वाले नंबर को एक तरफ लिख लेते हैं, और फिर तीन डिजिट वालों में क्या करेंगे उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, और फिर चार डिजिट वाले को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, फिर दोनों को कंबाइंडली हम लिख देंगे। तो तीन डिजिट वाले नंबर्स को मैं क्या करता हूँ, रेड मार्कर से सर्कल बना देता हूँ उनके ऊपर। तो ये और ये चार नंबर ऐसे हैं जो हमने तीन डिजिट्स वाले यूज किए हैं, और ये बाकी के जो बच गए जिनके ऊपर सर्कल नहीं बना हुआ है वो नंबर्स क्या हैं, चार डिजिट वाले। तो अब तीन डिजिट वाले नंबर्स को हम पहले अरेंज कर लेते हैं। अब तीन डिजिट वाले नंबर्स में क्या होगा, कैसे अरेंज करें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब डिजिट तो सेम है तो उससे हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसके लिए इनके हाईएस्ट प्लेसेस को क्या करेंगे, कंपेयर करके देखेंगे। तो अब इनमें देखो इसका हाईएस्ट प्लेस क्या है, 8 है, इसका हाईएस्ट प्लेस 5 है, इसका 8 है, इसका 5 है। तो डेफिनेटली 5 वाला क्या होगा, सबसे छोटा होगा, उसके बाद में 8 वाला नंबर वाला आएगा। तो 5 वाले में भी 2 है, तो जब हाईएस्ट प्लेस क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो उससे हायर प्लेस को क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। तो उससे हायर प्लेस क्या होगा, यहाँ 7 है और यहाँ 6 है, 6 छोटा है, तो हम बोलेंगे कि ये वाला जो नंबर होगा ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो सबसे पहले किसका नंबर आएगा, 5, 6, 9, उसके बाद में कौन सा नंबर आएगा, 5, 7, 1। तो हमने 5 वाले को अरेंज कर दिया है असेंडिंग ऑर्डर में। अब बात करेंगे 8 वाले की। तो 8 में देखो यहाँ भी हाईएस्ट प्लेस पे 8 है और यहाँ भी हाईएस्ट प्लेस पे क्या है, 8 है। तो हम क्या करेंगे, उससे आगे वाले डिजिट को कंपेयर करके देखेंगे। तो यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, तो 3 छोटा है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि इन दोनों में ये वाला नंबर छोटा होगा। तो उसके बाद में, इसके बाद में हमारा नंबर कौन सा आएगा, 8, 3, 2, जो कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर आएगा। उसके बाद में क्या आएगा, 8, 4, 7। तो यानी कि हमने क्या किया है, तीन डिजिट वाले नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। अब हम करेंगे चार डिजिट वाले नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। अब चार डिजिट वाले नंबर्स में भी देखो ये नंबर्स क्या है, ये वाला 9 और ये 9 से स्टार्ट हो रहा है, और ये नंबर 8 और 8 से स्टार्ट हो रहा है। तो डेफिनेटली 8 से स्टार्ट होने वाला नंबर छोटा होगा और 9 से स्टार्ट होने वाला नंबर बड़ा होगा, क्योंकि दोनों में डिजिट्स क्या है, इक्वल है। तो 8 में भी क्या है, दोनों है, तो यहाँ पे ये दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, 8 से स्टार्ट हो रहे हैं ये। उसके बाद में उसके हायर प्लेसेस को कंपेयर करेंगे, तो हम क्या करें, देखते हैं कि ये 3 है और यहाँ 4 है, मतलब 3 वाला नंबर छोटा होगा और ये 4 वाला जो नंबर है वो क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि हम बोलेंगे कि इसके बाद में जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 8, 3, 2, 0, और उसके बाद में क्या आएगा, 8, 4, 5, 7। तो हमने 8 वाले नंबर्स को भी क्या कर दिया है, अरेंज कर दिया। उसके बाद में 9 वाला है। अब 9 में भी क्या है, इन दोनों के अंदर हाईएस्ट प्लेस पे 9 है, तो उसके आगे वाले प्लेसेस को कंपेयर करेंगे, उससे हायर प्लेस पे यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, तो 3 वाला नंबर क्या होगा, बड़ा होगा, सॉरी छोटा होगा। तो 9, 3, 2, 4 उससे बड़ा नंबर आएगा, और इससे बड़ा नंबर ये होगा, और सबसे बड़ा नंबर क्या होगा हमारा, 9, 7, 5, 4। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिए, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, वहाँ हम एक अलग से इसके ऊपर लेक्चर बना के आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, हमारे को नंबर्स को
डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे हाईएस्ट नंबर को यानी सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसको सबसे पहले, और उसके बाद में घटते हुए ऑर्डर में क्या करना पड़ेगा हमारे को, सबसे लास्ट में सबसे छोटे वाले नंबर को लिखना है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर भी डिजिट्स को देख लेते हैं, कौन कौन से नंबर कितने कितने डिजिट्स के हैं। तो जैसे ये नंबर क्या है, चार डिजिट का है, ये नंबर भी चार डिजिट का है, और बाकी के जो नंबर है ये पांच डिजिट का है, ये भी पांच डिजिट्स का है, ये भी पांच है, इसमें भी पांच डिजिट्स है, इसमें भी पांच है, और इसमें भी पांच डिजिट्स हमने यूज किए हैं इस वाले एग्जांपल में। तो सबसे पहले क्या होगा, तीन डिजिट वाले नंबर को कंपेयर करते हैं, सॉरी सबसे पहले हमारे को सबसे बड़ा नंबर लिखना है। तो सबसे बड़ा नंबर किन में से मिलेगा भाई, चार डिजिट वाले नंबर में से तो मिलेगा नहीं, पांच डिजिट वाले नंबर में से ही कोई नंबर क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो हम इन पांचों पांच डिजिट वाले नंबर्स को पहले कंपेयर करते हैं और हमारे को क्या करना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो ये चार नंबर, ये छह नंबर है जो पांच डिजिट वाले नंबर है, तो पांच डिजिट वाले नंबर्स के अंदर कंपेयर कैसे करेंगे, सबके हाईएस्ट प्लेस को कंपेयर करो। यहाँ फोर है, यहाँ एट है, यहाँ नाइन है, यहाँ फोर है, यहाँ एट है, और यहाँ नाइन है। तो अब डेफिनेटली जो नाइन नंबर, जिसके हाईएस्ट प्लेस पे नाइन आ रहा है, ये वाला नंबर हमारा सबसे बड़ा होगा। तो फिर आगे कैसे सोल्व करें, तो नाइन दोनों में सेम है, तो फिर उसके हायर प्लेसेस को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे टू है और यहाँ कितना है, एट है, तो एट वाला नंबर क्या होगा, जिसके हायर प्लेस पे एट आ रहा है, ये वाला नंबर सबसे बड़ा होगा। तो यानी कि जब हम ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, नाइन एट थ्री टू वन, फिर उससे छोटा नंबर क्या होगा, नाइन नंबर जिसके हाईएस्ट प्लेस पे है, नाइन डिजिट जिसके हाईएस्ट प्लेस पे है, वही नंबर होगा उससे छोटा, नाइन टू फाइव फोर सेवन, यानी नाइन वालों को हमने अरेंज कर दिया। उसके बाद में देखो यहाँ फोर है, यहाँ एट है, यहाँ फोर है, यहाँ एट है, तो उसके बाद में सेकेंड नंबर पे कौन सा आएगा, एट डिजिट जिसके हाईएस्ट प्लेस पे है वो आएगा। तो यहाँ हाईएस्ट प्लेस पे एट है, यहाँ भी एट है, तो हम इन दोनों को बता नहीं सकते कौन सा बड़ा है, तो फिर उसके हायर प्लेसेस को कंपेयर करेंगे। उसके हायर प्लेस पे यहाँ पे कितना है, एट है, और इसके हायर प्लेस पे यहाँ पे कितना है, सेवन है, तो एट वाला क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि इसके बाद में किसका नंबर आने वाला है, एट एट सेवन वन फाइव, और उसके बाद में क्या आएगा, एट सेवन फाइव टू वन। उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, इन चार नंबर, चार डिजिट वाले नंबर को कंपेयर करेंगे। तो इनको कैसे करें, तो यहाँ देखो दोनों के हाईएस्ट प्लेस पे चार है, तो ये हम बता नहीं सकते कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। फिर उसके हायर प्लेस को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ दोनों के हायर प्लेसेस फिर से क्या है, सेम है, यानी यहाँ भी फाइव है, यहाँ भी फाइव है, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, उससे हायर प्लेसेस को कंपेयर करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ थ्री है और यहाँ सेवन है, तो सेवन वाला डिजिट क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम बोल देंगे कि फोर फाइव सेवन थ्री टू, ये क्या होगा, उससे छोटा, इससे छोटा डिजिट नंबर होगा, और उसके बाद में क्या आएगा, फाइव फोर फाइव थ्री टू वन। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो दो डिजिट वाले नंबर है इनको आपस में, सॉरी चार डिजिट वाले जो नंबर है इनको आपस में कंपेयर करना है। तो देखो यहाँ क्या है, वन है हाईएस्ट प्लेस पे, यहाँ भी कितना है, वन है, यहाँ सेकेंड हायर प्लेस पे मतलब फर्स्ट हायर प्लेस पे कितना है, नाइन है, इधर भी कितना है, नाइन है। तो फिर हम फर्दर उससे आगे वाले हायर प्लेसेस को कंपेयर करेंगे, यहाँ सेवन है और यहाँ कितना है, थ्री है, तो सेवन वाला नंबर क्या होगा, उससे मतलब इससे छोटा कौन सा होगा, ये, इन दोनों में बड़ा कौन है, ये है, तो उसके बाद में जो नंबर आएगा वो किसका आएगा, वन नाइन सेवन वन, और सबसे छोटा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, वन नाइन थ्री टू। तो यहाँ से हमने क्या किया है, लास्ट लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट सीखा था उनको अप्लाई करके इन दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकाल लिया है। ये आप नोट कर लीजिए, इसके बाद में हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, उस टॉपिक का नाम है शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स। अब शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स क्या होता है, इसको एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एग्जांपल के थ्रू, फिर हम यहाँ जो दो क्वेश्चन लिखे हैं इनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स का क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये नंबर हमारा लिखा हुआ है 524। इस नंबर पे शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स का मतलब है जो डिजिट्स है इनको आपस में एक्सचेंज करना। जैसे ये हमारा वंस डिजिट है, ये टेंस डिजिट है, और ये हंड्रेड्स डिजिट, हंड्रेड्स प्लेस पे आने वाला डिजिट है, तो एक्सचेंज करना। एक्सचेंज करने का मतलब है जैसे इसको यहाँ ले गए, इसको यहाँ ले गए, तो ये जो नया नंबर बनेगा वो क्या होगा, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। तो जब इस वाले डिजिट को इधर ले जाओगे तो फाइव हो जाएगा, मतलब फाइव इधर आ जाएगा, टू इधर आ जाएगा,
तो जो नया नंबर मिला वो ये हमारा न्यू नंबर हमारे को मिल गया। और कई तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, 5 को यहाँ ले गए और 4 को इधर ले गए, तो क्या हो सकता है, 5 2, ये भी क्या बन सकता है, एक नंबर हमारा बन सकता है। एक ये भी तरीका हो सकता है कि 2 को इधर ले गए और इसको इधर लेके आ गए, तो एक और नंबर हमारा क्या बन सकता है, 5 4 2। यानी कि ये जो नंबर्स हमने बनाए हैं ये क्या है, हमने डिजिट्स को शिफ्ट करके बनाए हैं, यानी डिजिट्स की पोजीशन को एक्सचेंज करके हमने बनाए हैं। आई होप आप लोगों को टॉपिक का मतलब समझ में आ गया होगा, शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स का मतलब क्या होता है। फिर हम इन दोनों एग्जांपल्स को सोल्व करते हैं तो आप लोगों का जो और भी कोई प्रॉब्लम होगी वो भी आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो पहला एग्जाम्पल है, इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ द 3-डिजिट नंबर टू फॉर्म ए नंबर। यानी कि एक 3-डिजिट नंबर दिया है, इस नंबर के डिजिट्स को क्या करना है, आपस में इंटरचेंज करना है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, टू फॉर्म ए नंबर। हमें कौन सा नंबर फॉर्म करना है, स्मॉलर देन द फॉर्मर वन। यानी कि जब इसके डिजिट्स को इंटरचेंज करोगे ना तो जो नंबर आएगा वो नंबर क्या होना चाहिए, पहले वाले नंबर के कंपेरिजन में छोटा होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। और सेकंड में ये पता करना है ग्रेटर देन द फॉर्मर वन। अब यानी क्या बोला है उसको समझो। देखो जैसे हम इसको करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे उसने क्या बोला है, ये ए वाला पार्ट है हमारा और इधर हम जो करेंगे वो हमारा बी वाला पार्ट होगा, यानी कि ये वाला पार्ट। ये दोनों क्वेश्चन हमने लिखे, तो सबसे पहले क्या लिखा है उसने, क्या बोला है उसने, हमें इसके डिजिट्स को इस तरीके से इंटरचेंज करना है 3-डिजिट वाले नंबर का, कि जिससे कि हमारे को जो नया नंबर मिले ना वो इस नंबर से, यानी फॉर्मर वन यानी ओरिजिनल वाला नंबर की बात हो रही है, उससे छोटा है। तो जैसे हम क्या कर सकते हैं, देखो इस 2 को हम कहाँ ले आए, यहाँ ले आए, और 6 को इधर लेके चल जाए, तो जो नया नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 6 7। डेफिनेटली तो आप लोग देख सकते हो कि ये वाला नंबर क्या होगा, इससे छोटा ही होगा। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, और एक तरीका हो सकता है इसको वो करने का, कि हम ये जो नंबर आया है इसी नंबर को वापस से थोड़ा सा एक्सचेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि 2 यहाँ रखें, इन 7 और 6 इन दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। यानी कि हमने इसके हेल्प से दो नंबर्स बना लिए हैं। भाई हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया। उसके बाद में एक तरीका ये, और इसके लिए हम इधर करके देखेंगे, पहले इसको समझते हैं। तो भाई हमारे को क्या करना है, इसको डिजिट्स को इंटरचेंज करके ऐसा नंबर बनाना है जो इससे छोटा होना चाहिए। छोटा तब होगा जब ये 2 कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, क्योंकि तभी सबसे छोटा डिजिट कहाँ आएगा, हाईएस्ट प्लेस पे आएगा। तो 2 को इधर ले आए, 6 को इधर लेके गए, तो ये नंबर हमारे को मिला। उसके बाद में क्या मिला, हमने क्या किया, इस 6 7 को भी आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो इनके डिजिट्स को इंटरचेंज करने पे ये एक और नंबर हमारे को मिल गया। ये नंबर भी देखो आप देख सकते हो, ये भी छोटा इससे है, तो हम बोल सकते हैं ये दो नंबर्स हम बना सकते हैं इनके डिजिट्स को इंटरचेंज करके, जो कि इस नंबर से क्या है, छोटे हैं। अब इनमें भी क्या है, देखो ये वाला जो नंबर है वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा इंटरचेंज करने पे बनने वाला। ये दोनों नंबर तो छोटे हैं, स्मॉलर नंबर है, लेकिन इन दोनों में भी सबसे स्मॉलेस्ट वाला कौन सा है, ये वाला नंबर। अब उसके बाद में हम यहाँ देखते हैं कि इनको कैसे वो करें, बड़ा नंबर बनाना है। तो बड़ा नंबर बनाने का मतलब है इन तीनों डिजिट्स में से हाईएस्ट प्लेस पे सबसे बड़ा डिजिट आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करें, इस 7 को इधर ले जाए, 6 को इधर ले जाए, तो क्या बनेगा, 7 2 6, ये हमारा एक नंबर बन गया। एक काम और हो सकता है कि यहाँ फिर से इनको एक्सचेंज कर दे, कि भाई 6 यहाँ लिख दे और 2 यहाँ लिख दे। तो ये जो नंबर हमारा बना है ये दोनों के दोनों नंबर क्या है, इस वाले नंबर से ग्रेटर है। उसने सेकंड में यही करने के लिए बोला था कि ऐसे नंबर बनाओ इंटरचेंज करके जिससे कि जो इससे ओरिजिनल वन से यानी फॉर्मर वन से बड़े हो। तो ये दोनों हमने बना लिए और उसके अंदर भी ये वाला जो नंबर है ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हमारा होने वाला है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ये जो दोनों नंबर थे वो कौन से, द स्मॉलर नंबर देन द फॉर्मर वन आफ्टर एक्सचेंजिंग डिजिट्स, और ये कौन से थे, द ग्रेटर नंबर देन द फॉर्मर वन। फॉर्मर वन का मतलब है जो ओरिजिनल नंबर था हमारा, यानी कि 627 वाला जो नंबर था इसकी बात हो रही है, आफ्टर एक्सचेंजिंग डिजिट्स। तो आई होप आप लोगों को ये एग्जांपल समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल है, इसको भी हम करते हैं जिससे कि आपका और भी कोई प्रॉब्लम होगी वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो देखो सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा लेंथी लग रहा है, लेकिन अगर आप लोग इसको पूरा अच्छे से रीड करोगे तो बहुत आसानी से समझ जाओगे। क्या बोला, एक्सचेंज द डिजिट्स ऑफ 382। अब ये देखो
382 जो नंबर है हमारा ओरिजिनल नंबर है, इसमें ये हमारा वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है और ये हंड्रेड्स प्लेस है। इन सच ए वे, इस तरीके से एक्सचेंज करना है कि द डिजिट एट द हंड्रेड्स प्लेस, इसका मतलब तीन की बात हो रही है, इज इंटरचेंज्ड विद द डिजिट एट द वंस प्लेस, यानी कि हंड्रेड्स प्लेस वाले डिजिट को क्या करना है, वंस प्लेस वाले डिजिट्स के साथ इंटरचेंज करना है। तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, आफ्टर इंटरचेंजिंग हंड्रेड्स प्लेस डिजिट विद वंस प्लेस डिजिट वी गेट, हमारे को क्या मिलेगा, टू यहाँ मिल जाएगा, एट तो ऐसे कैसे बीच में रहेगा, और ये थ्री कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद में इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, देन विल द नंबर दस फॉर्म्ड, यानी कि एक्सचेंज करने के बाद में जो नया नंबर मिला है वो मिलने वाला नंबर ग्रेटर देन द फॉर्मर वन और स्मॉलर देन द फॉर्मर वन, यानी कि इसको एक्सचेंज करने के बाद में ये नंबर मिला, कौन से को एक्सचेंज करने वाले को, हंड्रेड्स प्लेस वाले डिजिट को वंस प्लेस के साथ एक्सचेंज करने पे हमारे को कौन सा नंबर मिला, ये नंबर। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि ये वाला जो नंबर है इस वाले नंबर से छोटा है या इस वाले नंबर से बड़ा है, तो आई होप आप लोग इसको देख पा रहे होंगे कि आसानी से समझ जाओगे भाई यहाँ पे वंस प्लेस पे हाईएस्ट प्लेस पे कितना है, थ्री है, यहाँ पे हाईएस्ट प्लेस पे कितना है, दो है, तो ये वाला नंबर क्या है इस वाले नंबर की तुलना में क्या है, स्मॉलर होगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। आज के लेक्चर के लिए कोई होमवर्क नहीं रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप रिक्वेस्ट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले के लेक्चर्स को देखिए, अच्छे से टॉपिक्स को समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट करके बताइए। जो आपको डेली क्लास के बाद में होमवर्क मिलता है उस होमवर्क को खुद करने का ट्राई कीजिए और नेक्स्ट क्लास में अपने सॉल्यूशन को मैच कीजिए पहले, कि हमने जो किया है और आप यहाँ पे हमने सॉल्यूशन में जो करवाया है वो आप लोगों ने जो किया है और यहाँ जो सॉल्यूशन करवाया गया है वो दोनों आप लोगों का बिल्कुल सही है या नहीं है। आप लोगों का अगर सॉल्यूशन गलत आता है तो आप कमेंट करके बताइए कि हमारा यहाँ गलती हुई है, जिससे कि हम आपकी गलती को दूर करने की कोशिश कर सकें। और इसी के साथ में अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसके नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। और इसके साथ ही अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।